भारत सरकार ने बीजीएमआई को बैन कर दिया है। इस खबर ने कई गेम्स लवर को परेशान कर दिया है। सरकार ने आईटी लॉ के उसी कानून के तहत कार्रवाई की जिसके तहत 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीनी ऐप्स को बैन किया गया था। भारत के आईटी लॉ की धारा 69A भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने की इजाजत देता है। इस बार भी सरकार की तरफ से इसी धारा के तहत यह फैसला लिया गया। बीजीएमआई चीनी कंपनी की गेम पबजी का ही दूसरा रूप है। इसे बैकग्राउंड से उसी कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। हालांकि इस फैसले ने कई लोगों को परेशान भी कर दिया। ट्विटर और यूट्यूब पर भारत में कई लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। लेकिन आपको बता दें कि बीजीएमआई गेम को लेकर जहां लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, लोगों को परेशान किया, तो वहीं पर एक यूट्यूबर पारस, जिन्होंने अपनी गेमिंग के द्वारा अपने ऑफिशियल चैनल पर जानकारी दी है कि बीजीएमआई बैन हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने गेम्स लवर को इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से बीजीएमआई गेम नहीं चल रही है, या फिर क्यों बैन किया गया है और क्यों ये प्ले स्टोर से गायब हो गई है गेम। तो आइए सुनते हैं कि आखिर पारस क्या कहते हैं BGMI गेम को लेकर। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम BGMI बैन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। एंड पहले ही आपको मैं क्लियर कर दूं, मुझे 99% लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, शायद BGMI बैन हो गई है जहां तक मुझे लग रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो भी आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले ये शुरू कब हुआ, अभी 1-1.5 घंटे पहले BGMI गायब शो हो रही थी एंड मुझे काफ़ी सारे मेंशन आ रहे थे, मुझे पता चल गया था BGMI गायब है प्ले स्टोर से। सबसे पहले मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ BGMI सर्च करते हैं तो भी कोई गेम नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ BATT बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ये सर्च कर लिया, यहाँ भी कुछ नहीं है। अब आप में से काफ़ी बंदे सोच रहे होंगे ये तो आईपैड में गायब हुई है, तो मैं आपको एंड्रॉयड में भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं, कैमरा ऑन करता हूँ, ये रहा मेरा एंड्रॉयड डिवाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर मैंने ब्राइटनेस कम कर ली, देख सकते हैं अभी आपको अच्छे से स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, देख लो कॉल ऑफ ड्यूटी दिख रही है, न्यू स्टेट दिख रही है क्राफ्टन की, बट BGMI नहीं दिख रही, ठीक है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, एप्पल एंड एंड्रॉयड दोनों से गायब है BGMI। अब मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई गेम बैन हो गई है, क्योंकि ऐसा तभी होता है। अब काफी सारे बंदे ये बोल रहे हैं कि भाई ये कोई ग्लिच है क्या। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, ग्लिच होता है ना जो, वो एक जगह पे होगा ग्लिच, 2-3 जगह पे एक साथ नहीं होगा। पहली बात, एंड्रॉयड से गायब हुई, ऐप स्टोर से गायब हुई। जब लॉन्च होती है गेम तो एंड्रॉयड में पहले आती है, एप्पल में आने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि दोनों अलग अलग डिवाइस हैं, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग उनके सर्वर हैं, ठीक है ना। एप्पल की जो टर्म एंड कंडीशन सर्वर है वो अलग है, एंड्रॉयड के जो सर्वर हैं टर्म एंड कंडीशन है अलग है। जब लॉन्च होने में इतना टाइम लगता है, जब न्यू अपडेट आता है तो उसमें भी दोनों में फर्क रहता है, एंड्रॉयड में पहले आ जाता है, iOS में थोड़ा बाद आता है। तो जब ग्लिच हुआ तो दोनों में एक साथ कैसे हो गया ग्लिच भाई, एंड्रॉयड अलग चीज है, iOS अलग चीज है। तो ग्लिच होता तो एक जगह पे ग्लिच होता, दोनों जगह पे एक साथ थोड़ी ग्लिच होगा। अब अगर गेम बैन हुई है तो किसी गलती की वजह से हुई होगी, उसका भी कोई रीजन होगा। तो अगर बैन होती भी है गेम तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, काफ़ी सारी मार्केट में अच्छी अच्छी गेम्स हैं, कोई भी गेम खेल के हमें सिर्फ इन्जॉयमेंट करनी है, अपना टाइम पास करना है ना। अगर गेम बैन भी होती है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं, ठीक है ना। तो मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट मत करो, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी मेरे को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर दूं, मेरा तो यही ओपिनियन है, मुझे जहां तक लग रहा है भाई गेम बैन हुई है, क्योंकि दो जगह पे एक साथ थोड़ी ग्लिच होगा, सिंपल सी बात है। एंड एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, एप्पल और iOS दोनों में से गायब हुई है, एंड ऐसा पहले भी हो रखा है काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के साथ, काफ़ी सारी गेम्स के साथ भी ऐसा हो रखा है। एंड ये सब चालू हुआ मेरी स्टोरी के बाद, मैं आपको स्टोरी दिखा देता हूँ अपनी, कौन सी स्टोरी मैंने डाली थी। तो यहाँ पर मैं स्टोरी पे क्लिक करता हूँ अपनी, ठीक है ना। स्टोरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक स्टोरी डाली थी, BGMI यूज़र बी लाइक टाटा बाय बाय गुड बाय गया, मैंने BGMI को टैग भी किया था। तो ये मुझे पता तो 2 घंटे पहले ही चल गया था, 2-3 घंटे पहले, बट मैं इसके ऊपर रिएक्ट इस वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ऑफिशियल्स को मैसेज कर रहा हूँ जो BGMI के टीम मेंबर्स हैं, वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। एंड उसके अलावा मैंने सारे यूट्यूबर से भी बात की, जितने भी मेरे दोस्त हैं, किसी को कुछ नहीं पता, तो इस टाइम पे कुछ बोल नहीं सकते जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, क्योंकि थोड़ा सा यार इतना तो आइडिया लग जाता है, इतने टाइम से हम काम कर रहे हैं तो पता चल जाता है ये कोई सर्वर ग्लिच नहीं है, ये कुछ और ही फंडा है,
ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जैसी मुझे कुछ ऑफिशियल अपडेट मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।